Hello, people! Welcome to the session. I'm Rashida Sarishti, where you're with On the Chemistry Master Teacher, and I hope sab mast honge, swast honge. So, aaj hum log karne wale top 10 assertion reason-based questions of structure of atoms. So, let me make this clear. Assertion reason-based questions aapke paper pattern ka part hai. चाहे वो आपके ग्रेड 9 हो या ग्रेड 10, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आगे जाके assertion reason based questions आते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि assertion reason कैसे सॉल्व करते हैं। आज वी आर डूइंग टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ assertion reason स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में से। सो भाई और बहनों, आई विल डेफिनेटली टेल यू, गिव यू एडवाइस टू कीप पेन एंड पेपर विद यू हैंडी, सो दैट अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना पड़ता है सो यू कैन डू इट क्विकली. And why not take a challenge? Are you ready for a challenge? Are you up for a challenge? Come on, guys. So, yahan pe top 10 questions hai. Assertion reason ke question 1 mark ka aata hai. To kyun na aaj hum isko 10 out of 10 ka question paper banate. So, kya bol diye baba? Game on? Are you ready? Okay. So, top 10 assertion reason based questions, structure of atoms. I hope you all are set. But usse pehle, दिमाग की बत्ती जली की नहीं तुम लोगों की, जरा देखते हैं। सो रिडल है, लेट्स सॉल्व इट। यू वॉक इनटू अ रूम दैट कंटेन्स अ मैचस्टिक, अ केरोसिन लैम्प, अ कैंडल एंड अ फायरप्लेस। व्हाट वुड यू लाइट फर्स्ट? दैट सिंपल। हाँ, लॉजिकल है, सिंपल है, अप्लाई करो लॉजिक एंड यू विल फाइंड योर आंसर। कम ऑन गाइस, आई विल गोइंग टू टेल यू द फाइनल आंसर बाय द एंड ऑफ द सेशन। फिर नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन स्केड्यूल ऑफ द वीक। स्केड्यूल ऑफ द वीक देख ले तो हम लोग ने सबसे पहले ये सीखा कि कौन से मिस्टेक नहीं करने हैं केमिस्ट्री के अंदर। देन वी हैव कंप्लीटेड 25 मार्क्स का सरप्राइज केमिस्ट्री टेस्ट। अगर आपने बाय एनी चांस मिस करा है, जाओ 2x स्पीड पे भगाओ एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ये मिक्स्ड चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे एंड देखो आप कितने मार्क्स गेन कर पाते हो, कहाँ डिफिकल्टी आती है आप लोगों को, सो दैट यू गेट अ रियलिटी चेक एंड आप उसी हिसाब से आगे रिविजन्स कर सकते हैं। मैराथन सेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, वेयर वी हैव लर्न्ड ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। तो हमने एक्चुअली चैप्टर घोट लिया है अच्छे से, सो बाय एनी चांस अगेन इफ यू मिस दिस वन सो यू कैन गो 2x या 3x स्पीड पे भगा के देखना है इसको, वरना बोर हो जाओगे। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो फटाफट से रिविजन करने के लिए यू कैन डू दैट। इनफैक्ट एग्जाम से पहले भी आप लोग 2x 3x स्पीड पे भगाओ एंड रिवाइज द एंटायर चैप्टर, जहाँ पे अंदर की क्वेश्चंस है, इंडेक्स क्वेश्चंस एंड बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज आल्सो। Now it's time for us to start with top 10 assertion reason based questions. I hope you all are ready. Chug, if it did, let's all some chemical literature together. Come on guys, let's do it. For noble gases, valency is zero. Yes, assertion keh raha hai. Reason keh raha hai ki noble gases have toward 8 valence electrons. Abodi Bhavik, what is right? नोबल गैसेस का वैलेंसी जीरो होता है। अगर हम लोग बात करें नोबल गैसेस के लिए, सो नोबल गैसेस कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। मैं इन्हें पर्सनली बुलाती हूँ ब्रह्मचारी एलिमेंट्स। ब्रह्मचारी बोले तो मॉन्क काइंड ऑफ पीपल, राइट, जो हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हो, ऑलवेज लव टू स्टे सिंगल, नेवर रेडी टू गेट मिंगल, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए इनको। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो है इनकी, है ना? तो अगर इनको बॉन्ड बनाना नहीं है, वैलेंसी जीरो है, तो ये बात तो सही है ना। दे आर ऑल मोनोटॉमिक, ये सब मोनोटॉमिक है। आप लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ के आए हो। नोबल गैसेस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 या 8 होते हैं, बिल्कुल। हीलियम की बात करें तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। आर्गन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 8 8, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, विच इज अगेन ट्रू। सो इट इज एब्सोल्युटली राइट, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, एज वेल एज द रीजन फॉर द गिवन असर्शन इज एब्सोल्युटली bang on. So guys, it is 1 mark question. यहाँ पे 1 mark दे दो अगर आपने option A mark करा है. So it's a killer start. I hope मजा आया होगा. Now let me tell you again, noble gases के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता देती हूँ. So as I told you, helium, neon, argon, krypton, xenon, ये सब noble gases है. Noble gases को हम लोग inert gases भी कहते हैं। Inert बोले तो जो react नहीं करते। अब ये react क्यों नहीं करते हैं? So अगर मैं इनका electronic configuration देखूँ तो
इट वुड बी टू, है ना, नियॉन के लिए इट वुड बी 2-8, आर्गन के लिए इट वुड बी 2-8-8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब वैलेंस शेल क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने पे हम उसे कहते हैं ऑक्टेट, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट है, जैसे हीलियम का केस है, विच इज अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शनल केस, तो हम इसे कहते हैं ड्यूप्लेट कॉन्फिगरेशन। कौन सा कॉन्फिगरेशन है ये, ड्यूप्लेट कॉन्फिगरेशन, समझ ला। अब क्योंकि इनको ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना गेन करना है, ये ऑलरेडी बहुत सैटिस्फाइड है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसीलिए दे आर वेरी वेरी स्टेबल। वैलेंसीज की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5, 6, 7 या 8 होता है तो हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है ना। तो अब यहाँ पे हीलियम को छोड़ो, हीलियम का जो केस है, आई टोल्ड यू इट्स एन एक्सेप्शनल केस। बाकी अगर हम नियॉन को देखें, है ना, नियॉन की वैलेंसी मुझे निकालनी है, मुझे पता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, और अगर मैं 8 में से 8 को माइनस कर दूंगी दैट विल गिव मी 0। क्लियर है बॉस? ओके, ऑलराइट, ऑन दैट पॉजिटिव नोट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन कहता है कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, इज दैट सो? रीजन कहता है क्योंकि द एटम इज विजुलाइज्ड एज अ पुडिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, जिसे रेजिन्स, व्हिच इज देयर एज रेजिन्स इन प्लम पुडिंग, एम्बेडेड इन इट। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, जे जे थॉमसन जी ने। क्या जे जे थॉमसन के मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कहते थे? सो थॉमसन जी एक तरह के, मुझे लगते थे वो साइंटिस्ट बड़े फूडी किस्म के आदमी थे जिनको खाना बहुत पसंद था। भाई एटम को किसी खाने की चीज के साथ कंपेयर कर दिया, प्लम पुडिंग बोले तो क्रिसमस पुडिंग जो आती है जिसके अंदर प्लम्स होते हैं, रेजन्स होते हैं, सो दैट स्फेरिकल। तो स्फीयर एज अ पॉजिटिव स्फीयर माना गया पुडिंग को, जिसके बीच में रेजन्स जो है उनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करा गया, सो बिल्कुल ही सच्ची में उन्होंने एटम्स को ऐसे विजुअलाइज करा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एज वेल एज रीजन इज ऑल्सो correct for given assertion, इसीलिए option A बनता है आपका फटाफट ही answer। Clear boss? I hope सब चमका होगा, मस्त चल रहा होगा। Alright, इसके लिए आपको मिलते हैं 1 mark। Next question: The mass of total number of protons and neutrons is measure of approximate mass of an atom. क्योंकि reason कहता है the mass of electron is negligible. What do you think? अगर हम टोटल मास ऑफ एटम की बात करें, सबसे पहले एटम किससे बना होता है, एटम बना होता है न्यूक्लियस से, है ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और उसके बाहर घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, यही केस है। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मास देता है एटम का, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरे एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर रहता है, सेंटर ऑफ एटम में रहता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स मासेस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। सो दिस इज ट्रू एज वेल एज दीज टू आर कंप्लीटली कनेक्टेड, एंड दैट मेक्स ऑप्शन ए एज योर परफेक्ट आंसर। So, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए आप लोग क्या पढ़ते हो, मास ऑफ एन एटम विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तो पढ़ के आते हो। चलिए क्लियर है, चले आगे। आर यू रेडी, आर यू रेडी? ओके, इट सीम्स यू गाइस आर बॉर्न रेडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोबार्स आर आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर। पहले सोचो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस होता है। इफ यू रिमेम्बर दैट कि आइसोबार्स एग्जैक्टली क्या है तो आपको अपने आप समझ में आएगा। देखो, आइसोबार्स क्या होते थे, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट उनका मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो मास नंबर सेम होता है आइसोबार्स का, ये बात बिल्कुल सही है, पर क्या उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आर्गन और कैल्शियम की बात करूं, आर्गन कहाँ पे नोडल गैस है, कैल्शियम इज वन ऑफ द मेटल, है ना, दोनों बहुत अलग है, चाहे इनके मासेस एक जैसे हैं लेकिन आर्गन की प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कैल्शियम, केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग है ना। तो
केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, प्लीज लिख लो, इस चीज को नोट कर लो. केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से. सो आप कह रहे हो आइडेंटिकल इन आइसोपार्स, नो. आइसोटोप्स में आप कहते तो मैं मान लेती, बट आइसोपार्स में एब्सोल्युटली फॉल्स. इसीलिए ऑप्शन डी इज योर आंसर. इफ यू गॉट ऑप्शन डी एज योर आंसर, भाई और बहनों, वन मार्क ऑल योर्स. क्लियर क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रेडी? ओके. Assertion कहता है कि anions are larger in size than the parent atom. Reason कहता है in an anion number of protons in nucleus is less than the number of electrons present in it. Okay, इस question को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, example लेकर चलो. अगर मैं बात करती हूँ क्लोराइड की, क्लोरीन इज एन एटम और उसका आयन है क्लोराइड आयन, right? क्लोरीन एज एन एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 17. अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, फाइन. अब क्लोरीन एज एन एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्लोराइड एज आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है. 18 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. सो इन एन एनायन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज लेस. हम ये नहीं कह सकते अभी, अभी के लिए अभी हम कुछ श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है. तो हम ये देखते हैं कि बॉस अगर मैं क्लोरीन एटम की बात करूं तो प्रोटॉन्स यहाँ पे 17 थे, एंड क्लोराइड आयंस में भी प्रोटॉन्स 17 ही तो रहेंगे ना, इजंट इट? प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. तो प्रोटॉन्स ना ही बाहर निकल सकते ना अंदर आ सकते हैं अगर वो आयन में डॉन होता है. तो क्लोरीन एटम, एक एटम के अंदर उसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है. अगर मैं क्लोरीन एटम की बात करूं तो इसके पास 17 एटॉमिक नंबर है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स भी 17 ही होंगे. अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूं तो यहाँ पे इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए लेकिन प्रोटॉन का नंबर कम रहेगा. तो ये रीजन में क्या कह रहा है, एनायन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यस, नाउ इट इज प्रूवन, इट इज ट्रू. अब हम कह सकते हैं कि हाँ जी सही है. नाउ एनायंस आर लार्जर इन साइज एज द पेरेंट एटम, मतलब क्या क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन एटम से बड़ा होगा, इंक्रीज्ड साइज? जी बिल्कुल. आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू एनायन का साइज. ऐसा क्यों होता है? नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. बीच में पॉजिटिव चार्ज है ना. अब यहाँ पे अगर मैं बोलू क्लोराइड आयन में अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. यहाँ पे 8 क्लोराइड आयन की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्लोराइड आयन में यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा. तो यहाँ पे प्रोटॉन्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बाहर की तरफ भागेगा. बाहर की तरफ भागेगा मतलब ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा हो जाएगा. न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गया तो साइज ऑफ एन एटम विल गोइंग टू इंक्रीज. साइज कैसे गिनते हो? बिटवीन रेडियस एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक साइज इन अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ही तो आपका रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियाई. तो अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है तो ये बाहर की तरफ भागता है, तो साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा, रेडियस अपने आप बड़ा हो जाएगा. सो एनायंस का साइज लार्जर देन पेरेंट, ट्रू. क्योंकि एनायंस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, यस. सो इसीलिए ये है ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर. एक बार दोबारा समझ लो क्योंकि हो सकता है किसी के लिए नया हो. कैटायंस का साइज जो है हमेशा छोटा होता है एज साइज ऑफ एनायंस. पहले तो इसको नोट कर लो, ठीक है. साइज ऑफ एनायंस आर ऑलवेज बिगर देन कैटायंस. अब अगर मैं नाइन की बात करती हूँ, लेट्स टेक फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 27, ठीक है. मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7
7 फ्लोराइड आयन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज टर्न टू 2-8 नाउ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो नाउ इट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले 9 प्रोटॉन्स थे बाद में भी 9 प्रोटॉन्स ही है पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन नेगेटिव चार्ज ठीक है दैट मींस अब यहाँ पे नेगेटिव के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा दे वर गोइंग टू रिपेल ईच अदर लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर ठीक है तो अब यहाँ पे क्योंकि रेशियो बिगड़ चुका है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन्स ओवर पावर कर रहे हैं तो इसीलिए वो रिपेल करते ही वो बाहर की तरफ भागते हैं तो साइज बढ़ जाएगा क्लियर है बॉस सो यस And that positive note, moving on to my next question. Isotopes are electrically neutral. Is it? Sachi? Achha, socho zara, kya hai galat hai? Isotopes are electrically neutral. And reason kehta hai ki isotopes of an element have equal number of protons and electrons. Abhi public. Isotopes kya hai? Same atomic number. Hai na? Atomic number same hai. But मास नंबर डिफरेंट है बेसिकली हम एटम्स के बारे में बात करें जैसे कि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तो यहाँ पे सिर्फ मासेस ही तो चेंज है बट हम लोग एटम्स सेम की बात करें एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये सच है करेक्ट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देखो भाई और बहनों अगर एटम है न्यूट्रल होते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और उनका एटॉमिक नंबर बराबर ही होता है तो बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं लेकिन सबके पास एक एक प्रोटॉन है और सबके पास इलेक्ट्रॉन भी एक 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 ही है एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू बिल्कुल सही है एंड दे आर ऑल्सो हैविंग अ करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन दैट मींस ऑप्शन ए एज योर फाटा फाटी आंसर सब सही चल रहा है बढ़िया मस्त मजा आ रहा है अगर आपने ए मार्क करा है तो एक मार्क अपने लिए जोड़ लो 10 out of 10 लाने बॉस लास्ट तक नेक्स्ट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी छोटा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम तो ये रदरफोर्ड अगर आप याद करो तो रदरफोर्ड की न्यूक्लियर थ्योरी में उन्होंने यही बोला था कि न्यूक्लियस का साइज इज 10^5 टाइम्स स्मॉलर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम तो ये बात तो सच है और उन्होंने ये भी बोला था लास्ट में कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो ये रदरफोर्ड से क्वेश्चन उठाया हुआ है लेकिन अगर मैं इस दोनों को कनेक्ट करूं तो क्या इसका रीजन असर्शन से मैच कर रहा है Size of nucleus is smallest compared to size of an atom because electron revolve. Oh no, not at all. Dono apne aap pe correct hai, lekin reason is not connected with the given assertion. Isliye kya hoga? What will be our answer? Option B. So option B will be our absolutely correct answer. Perfect. Theek hai? Chaliye. I hope sab kuch chamka hoga, maza aa raha hoga. Next question pe chalte hai. Come on, guys. चलिए फटे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जस्ट अभी हमने बात करी इसके बारे में अ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सच सत्य वचन और ये हमारे जी जे थॉमसन जी ने ही बता दिया था न्यूट्रल एटम में न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस न्यूट्रल एटम में न्यूट्रॉन्स तो वैसे ही न्यूक्लियस में होते हैं भाई तो ये बिल्कुल सही है लेकिन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस से एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कोई लेना देना नहीं है अगर यहाँ पे रीजन ये कहता कि एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर है पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं दोनों को सच मानती ऑप्शन ए मार्क करती लेकिन यहाँ दोनों स्टेटमेंट अलग अलग से करेक्ट है But reason is not correct for the given assertion that makes option B as my perfect answer. So, agar aapko option B apna answer mila hai, to one mark de dijiye apne aapko. And tap your back, be proud of yourself. Sahi ja rahe ho. Chale? Next question on your screen. Assertion kehta hai ki Dalton's theory
states that atoms are indivisible. Reason kehta hai, atoms are made up of electrons, protons, and neutrons. Eh? Okay. Dalton's theory ne kaha ki atoms is indivisible, ye atoms in molecules mein bola. Structure of atoms mein aate aate discover ho gaya ki electrons, protons, and neutrons are three subatomic particles of atoms. So Dalton ji ke us point ko discard kar do. तो ये अपने आप में सही है लेकिन इनका कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी योर मिला. ऑप्शन बी अगर आपको आपका आंसर मिला, गिव योर सेल्फ वन मार्क. वन मार्क हैज बीन अर्नड बाय यू. चलिए गाइस, ऑन दैट नोट, पॉजिटिव नोट, शैल गिव अ टेलेट्स ऑफ सम मोर केमिकल लर्चा. असर्शन कहता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम atom are placed only in only one shell, but three electrons of lithium is placed in two shells. मतलब helium का atomic number 2 है, तो इसके एक shell में ही दो electrons हैं, जबकि lithium के तीन electrons. Lithium is hydrogen, helium, lithium. Atomic number is 3, तो इसके पास दो shell में electrons filled होंगे. ठीक है. Reason कहता है, a shell can have maximum of 2 n square electrons. है ना, बोरबारी स्कीम में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे थे तो उन्होंने ये बात पहले ही पोस्टुलेट में बोल दी थी कि जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला ऑफ 2 n square, जहां पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट और ऑर्बिट नंबर, दैट वुड बी बेटर. Now, n क्या represent कर रहा है, orbit number. तो दो electrons helium atom में only in one shell and three electrons of lithium will be filled in two shells. तो ये सच है, ये भी सच है, लेकिन इनका connection नहीं, connection मिल रहा है, sorry, connection मिल रहा है ना. तो हमें ये पता है कि maximum हम 2n square से fill करते हैं और rule of Bohr-Bari scheme के हिसाब से ही ये दोनों connected हैं. Clear? So yes, that makes option A as your pretty good answer. Samajh lo? I hope koi doubt nahi hoga. Do electrons helium mein ek shell mein hai. Lithium ke andar do shell mein filled hai. And 2n square is the one which used to calculate the maximum accommodity. Isiliye humne kaha ki yaar K shell ke andar do fill ho chuke hai. Lithium ke isiliye hame L shell mein ek electron fill karne ka padega. Kyunki 2n squares ki humse 2n square की वजह से हमें पता चलता है कि k orbit का number 1 है, तो 2 into 1 का square that gives you 2, k shell में maximum 2 electrons आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो हमें अगला shell use करना पड़ेगा. I hope अभी clarity होगी. Okay. So on that note guys, if you have solved all the question, 10 out of 10, ये एक bonus question है, तो that's all your homework, okay? Assertion कह रहा है कि valency of sodium is 1, and reason states that it has 12 neutrons in nucleus. Mujhe to jaane, dekhte hain kaun sahi jawab deta hai. So that was a challenge jo aap log ne liya. That was 10 out of 10 wala. 10 assertion reason based questions kare the structure of atoms ke. Mujhe zarur batayega aapne kitne marks gain kare hai, honestly. Kahi bhi marks kata hai, it's okay. Full aaye hai, bahut badhiya. Hai na? So I will come and check there and will respond as soon as possible. Now, riddle time. You walk into a room that contains a match kerosene candle fireplace. That's logical. Tum kerosene candle fireplace ko kaise jalaoge jab tak tum matchstick nahi jalaoge? So answer will be a matchstick. That was a simple one. Okay guys, so do like the session if you genuinely like it. As well as, agar aapko koi aur session chahiye, to mujhe uske baare mein zarur bataiye, which topic exactly you are struggling with. I will definitely help you with that. And main zarur se ek session banaungi aap logo ke liye. Now, it's time for me to leave. That was it from my side. Subscribe it, share it and comment it. So, phir milenge chalte chalte. That was it from my side. This is me, Rashita Sajdeva, signing off. Thank you. Take care, stay safe, stay happy always.